नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सुश्री पांडे। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही कांग्रेस में उथल पुथल मची है और कांग्रेस के नेता लगातार देश विरोधी बयानबाजी कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने आर्टिकल 370 पर मोदी सरकार के फैसले को असंवैधानिक करार दिया है। प्रियंका के इस बयान पर सियासी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और तमाम सवाल भी उठ खड़े हो गए हैं। और आरोप यह भी है कि प्रियंका पाकिस्तान की भाषा क्यों बोलती है और कांग्रेस और देश विरोधी पार्टी बनती जा रही है। वोट बैंक के लिए कांग्रेस की तरफ से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देखें खास रिपोर्ट। आर्टिकल 370 पर प्रियंका ने तोड़ी चुप्पी, 370 पर खोली पाकिस्तान वाली जुबान। क्या प्रियंका पाकिस्तान के साथ हैं? क्या कांग्रेस देश विरोधी पार्टी बन गई है? जी हाँ, जब से जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाई गई है, तब से ही कांग्रेसियों की पेशानी पर बल आ गया है। न जाने ऐसा क्या हुआ है कि कांग्रेस बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश में देश विरोधी बातें करने लगी है। और इस बार चुप्पी तोड़ी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने, जिन्होंने मुंह तो खोला लेकिन उनकी जुबान पाकिस्तान वाली थी। प्रियंका ने कहा कि जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाना असंवैधानिक है और ये फैसला देश विरोधी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी है। हम उस लड़ाई को लड़ते रहे। ये बहुत एक बहुत स्पष्ट राय है कांग्रेस पार्टी की और यही स्टेटमेंट है। जिस तरह से ये किया गया है, देखिए सिंधिया जी ने भी CWTC में भी हैं, उन्होंने भी स्टेटमेंट साइन किया, सब सहमत है। चर्चा हमारी पार्टी ऐसी नहीं है कि उसमें एक ही आवाज़ उठती है और बाकी आवाज़ें दबाई जाती हैं जैसे भाजपा। हमारी पार्टी में जो आवाज़ें उठती हैं उन पर चर्चा होती है, उन पर हम लोग विचार विमर्श होता है, सब लोग बात करते हैं और फिर एक राय। प्रियंका गांधी के इस बयान पर तरस आता है कि वो कांग्रेस की खोई जमीन पाने के लिए इस तरह की बातें करने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही कश्मीर में शांति है, अमन है और घाटी अब बदलाव की ओर आगे बढ़ रही है, लेकिन कांग्रेस वही की वही वोट बैंक की राजनीति पर अटकी है और कांग्रेस के नेता लगातार विपक्ष को घेरने के चक्कर में अपने ही देश के खिलाफ आग उगल रहे हैं। पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हो, पैसे देकर आप किसी को भी साथ ले सकते हो। BBC.com पर जाइए और देखिए वहाँ कश्मीर में क्या हो रहा है, श्रीनगर में क्या हो रहा है, पता लग जाएगा। आप, मैंने आपको कहा था, वो बात सही निकल रही है। इन्होंने अपने हाथ आग में झुलस लिए। कश्मीर बचाना हमारी प्राथमिकता है और मैं अनुरोध करता हूँ माननीय मोदी जी से और अमित शाह जी से और अजीत डोवाल जी से कि सोच समझ के काम करें, अन्यथा कश्मीर अपने हाथ से निकल जाएगी। कश्मीर विरोधी बयान देने में कांग्रेसी नेताओं की जुगलबंदी देखने लायक है और विपक्ष की बेचैनी भी कुछ ऐसी ही है जैसी कि पाकिस्तान में देखने को मिल रही है। सरहद पार के नेताओं में और इस पार के कांग्रेसियों में कुछ खास फर्क नजर नहीं आ रहा और अब प्रियंका के बयान ने तो साबित ही कर दिया है कि कांग्रेस वतन परस्ती भूल सी गई है। धारा 370 पर कांग्रेस के बयान देश विरोधी क्यों? कश्मीर की आजादी से कांग्रेस को दिक्कत क्यों? वोट बैंक की राजनीति के लिए कितना गिरेगी कांग्रेस? आखिर क्यों पाकिस्तान की भाषा बोल रही है कांग्रेस? कश्मीर में शांति से कांग्रेस में अशांति क्यों? घाटी में खुशी है तो कांग्रेस को गम क्यों? कांग्रेस को देश में खुशी से ऐतराज क्यों है? कांग्रेस की पाक परस्ती बार बार क्यों? प्रियंका गांधी, दिग्विजय सिंह, गुलाम नबी आजाद और पी चिदम्बरम, ये वो लोग हैं जिनका नाम पाक वाली जुबान खोलने वालों में शुमार हो चुका है और पूरी की पूरी कांग्रेस ही देश विरोधी, कश्मीर विरोधी और पाक परस्ती की बातें करने में लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो प्रियंका गांधी की चुप्पी से अभी तक पूरा देश असमंजस में था कि हो सकता है प्रियंका गांधी की कांग्रेस पार्टी से इधर कोई सोच देखने को मिल जाए
धारा 370 पर, लेकिन आखिरकार जब जुबान खोली प्रियंका गांधी ने तो वही शब्द बोले जो कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी लगातार बोलते आए हैं, असंवैधानिक करार दिया गया है इतने बड़े परिवर्तन को। अपने आप में बड़ा सवाल है कि पाकिस्तानी सोच और विचारधारा आखिरकार कांग्रेस पार्टी की कब तक इसी तरह बनी रहेगी। जो बात पाकिस्तान बार बार कहती है वही बात हिंदुस्तान के अंदर एक इतनी बड़ी पार्टी आखिरकार बार बार क्यों कहती है, सवाल है। तमाम खास मेहमान चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, बीजेपी से जयप्रकाश जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी हमारे साथ में मौजूद हैं, साथ ही आपको बता दें कांग्रेस नेता फैजल खान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार ए के मिश्रा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, साथ ही आपको बता दें पॉलिटिकल एक्सपर्ट विपिन शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। आप सभी खास मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम कांग्रेस से ही करेंगे। फैजल साहब, आखिरकार देखिए जैसी उम्मीद थी वैसी ही परिस्थिति दिखाई दी, अब ये असंवैधानिक कैसे हुआ ये आप प्लीज इसको, इस डेफिनेशन को असंवैधानिक है इसको हमें प्लीज डिटेल में एक बार डिस्क्राइब करिए, क्योंकि हमारी समझ से इसकी डेफिनेशन हमें समझ में नहीं आ रही है। देखिए आजादी के बाद से ऐसा पहली बार हुआ है कश्मीर के अंदर के वहां पे ईद की नमाज अदा नहीं करने की गई वहां के लोगों को। लोग बहुत खौफ में हैं, दहशत का माहौल है, अपने घरों से लोग निकल नहीं पा रहे हैं, जबकि जो कश्मीरी लोग हैं वो मस्जिद जाना चाहते थे लेकिन उनको मोहल्लों के अंदर घरों के अंदर कैद रहने के लिए मजबूर किया गया। तो ये हालात आज किसने पैदा किए हैं? क्या वो लोग इंसान नहीं है? क्या वो लोग भारतीय नहीं है? उनके साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अगर आपको कोई पॉलिसी लाना थी, अगर आपको कोई अपना ऑर्डर थोपना था कश्मीर के ऊपर, तो कम से कम सर्वदलीय बैठक बुला। अरे ये आप कैसे कह सकते हैं कि ऑर्डर थोपा गया है? आप कैसे कह सकते हैं कि ऑर्डर थोपा गया है? किसने कहा कि ऑर्डर थोपा गया है? किसने कहा कि ऑर्डर थोपा गया है? आपको बुलाकर पंचायत बिठानी चाहिए थी, आपने ही ये किया। आपने ही ये किया साहब, आपने ही ये किया। सर्वदलीय बैठक किस बात की बुलाई जाए? किस बात की बुलाई जाए? आपने जड़ खोदी, आपने सारा कारनामा किया, उसके बाद आपको बुलाकर आप लोग तो बातें करते थे कि रेफरेंडम ले आइए, प्लेबिसाइट करिए सारे के सारे मिलकर, ये बातें चलती थी उस समय। नहीं फैजल खान साहब, ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मणिशंकर अय्यर, गुलाम नबी आजाद, आप सभी लोग सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता सुप्रीम कोर्ट से ऊपर जाकर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको सरकार पर भरोसा करना चाहिए और आप अभी भी असंवैधानिक का टैग लेकर बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की मंशा को क्यों पूरा कर रहे हैं आप? आपको समझ में नहीं आती है बात? पाकिस्तानी जो चाहते हैं वो आप क्यों पूरा करते हैं? धरती के स्वर को धरती का नरक बना रखा था आज तक फैजल खान साहब, पाकिस्तान जाने का रास्ता। प्रक्रिया बहुत साफ अपनाई गई है, दोनों सदनों में दो दो दिन तक बहस हुई है, देश दुनिया ने देखा है। जब आर्टिकल 370 लगा था और 35A लगा था तो कौन सी प्रक्रिया थी? एक पेपर पे लिख के चुपके से जोड़ दिया, ना देश को पता चला ना दुनिया को पता चला। आप बहस में नहीं थे क्या? आपके भी तो रिप्रेजेंटेटिव थे ना बहस में, तो उस वक्त क्यों नहीं बोला कि ये असंवैधानिक है? फैजल साहब, किसी प्रकार की व्यक्तिगत सोच है आपकी या नहीं है? आपकी ही पार्टी के तमाम दिग्गज लोगों ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बात कर लीजिए, अदिति की बात कर लीजिए, उन सभी ने व्यक्तिगत तौर पर कहा है कि धारा 370 हटाने का फैसला सही है। कोई सोच है आपकी? बधाई दीजिए देश को, देश की जनता को, बिना कोई खून गिराए हुए, एक बूथ बिना कोई गोली चलाए हुए 70 साल का जो नर्क था, जो कोर था, वो खत्म हो गया। अब आप क्या चाहते हो कि ये नर्क ऐसे ही बना रहता? आप लोगों के पास क्या एक लॉजिक है? एक लॉजिक नहीं आप लोगों के पास। ये मुद्दा सॉल्व हो गया, उसके बाद आप फिर बोल रहे हैं असंवैधानिक। बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल मीडिया देखे। फैजल साहब आप क्या चाहते हैं कि वहां पर हमेशा जैसे अभी तक चलता आया है, पत्थरबाजी होती रहे, गोलीबारी होती रहे, मासूम बच्चों के हाथ में बंदूक पकड़ाई जाती रहे, अस्थाई जिंदगी वो जीते रहे, मेन स्ट्रीम में आ ना पाए, यही मकसद है सर? क्या हमेशा परिस्थिति कश्मीर में ऐसी बनी रहे, जम्मू में ऐसी बनी रहे, यही विचारधारा है? यही राष्ट्र की बात है, पार्टियों से ऊपर उठ के सोचिए ना।
आईएसआई से फंडिंग आ रही है क्या राष्ट्र के खिलाफ बोलने के लिए? अब मेरे को आने दीजिए फैजल साहब, प्रवेश बंद हो गया है बड़े धैर्य। अरे फैजल साहब बस करिए सर, बात सुनिए सर, देश विरोधी बातें सुन ली आपने, पाकिस्तान वालों ने सुन लिया, आपने जो सुन लिया सर, पाकिस्तान वालों ने सुन लिया, क्या इनको भारत विरोधी भाषण मत दिलवाइए, इनकी आवाज बंद करिए या इनको बाहर करिए। अरे सुन लिया सर, पाकिस्तान तक आपकी आवाज पहुंच गई, अभी आपको निशाने हैदर से नवाजा जाएगा, अगली बार आपको निशाने हैदर से नवाजा जाएगा। एक एक करके सर प्लीज, एक एक करके, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। फैजल साहब की आवाज आप डाउन कर दीजिए प्लीज, इनका स्टैंड हमने बार बार सुना है। विपिन जी आप बोलिए। देखिए ऐसा है, शांति हो जाइए सर, शांति, कमाल की बात है सर, सुन लीजिए ना धैर्य पूर्वक, दूसरे को भी सुन लीजिए सर, सर विनती कर रहे हैं आपसे, सुन लीजिए। देखिए ऐसा है, जो 30 करोड़ भारतीय थे उन्हीं के वंशज आज सब हैं, तो आप बोल रहे हो आजादी की लड़ाई में आप गए थे, आपकी कब की पैदाइश है, आप गए थे जो आप बोल रहे हो, अरे तो कांग्रेस या बीजेपी की किसी की बपौती हो गई है क्या, किसी ने कुछ कर दिया, हजारों लोगों ने जान दिया है, एके मिश्रा जी आप बपौती क्यों बना रहे हैं, प्लीज रिक्वेस्ट एक मिनट, फैजल खान साहब, फैजल खान आपको निशाने हैदर मिल जाएगा अगली बार पाकिस्तान से, मिश्रा साहब आपको फंडिंग आ रही है पाकिस्तान से ये बोलने के लिए, एक एक करके और भी लोग हैं, फैजल साहब की आवाज डाउन करिए, विपिन जी आप बोल रही है। देखिए ऐसा है कि ये जो असल दर्द ये है कि ये सर्जिकल स्ट्राइक नंबर 3 जो हुई है उससे मिर्चे लग रही हैं, इनके पास लॉजिक नाम की कोई चीज नहीं है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने जिन्होंने जिस तरह से बात करी, वहां से नहीं आजम चाचा से मिली, अरे आजम चाचा भी सुन लीजिए, सुन लीजिए अब आप नेताजी, एक मिनट तो ऐसे ही करते नेताजी, एक मिनट आपका भी वक्त आएगा, अपना पक्ष रखिएगा आप, एक मिनट धैर्य पूर्वक सुन लीजिए, नहीं तो गाड़ी एक दूसरे की पटरी पे चलेगी। देखिए ऐसा है कि मिर्चे इसलिए लग रही हैं क्योंकि आज तक जिसको धरती का स्वर्ग कहते थे इन्होंने विकास के नाम पे कुछ नहीं करा, जो युवाओं के पास नौकरियां होनी चाहिए थी, रोजगार होने चाहिए थे, उन्हें देश की तरक्की में उनका योगदान होना चाहिए था, उनको आपने पत्थर पकड़ा दिए, उनको फौज के खिलाफ खड़ा कर दिया, उनको बोला फौज आपकी दुश्मन है, फौज जो सरहद पे उनकी रक्षा करती है उनको आपने एक दूसरे का दुश्मन बना दिया जानी, उनको बोला पथराव करो, आपने उनको दिशाहीन कर दिया, और आपके पास लॉजिक नाम का कुछ है नहीं, और आज जब एक नया युग का आगाज हुआ है, एक नई क्रांति आई है, उसमें आपको आपत्ति हो रही है, आपने आज तक ये नहीं देखा, वैसे महिलाओं के आप बनते हैं कि आप महिलाओं के लिए कुछ अच्छा करेंगे, उनको उनको आप जो है सशक्त करेंगे, क्या करा आपने, महिलाएं जब बाहर जाके शादी करेंगी तो उनके सारे ने, 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 उनके सारे अधिकार बोले दिए, अभी नहीं है सारे, मैंने बोले दिए सर, उसमें आप आके सर बात सुन लीजिए ना पहले, देखिए ऐसा है कि आपके नेता लोग उठ के खड़े होते हैं, मनीष शंकर का समझ आता है कि उनकी क्या मानसिकता है, वो जाके बोलते हैं कि मोदी हटाओ पाकिस्तान जाके, आप इधर के जो नेता दिग्गज अगर बात करें, दिग्विजय सिंह बोले कि इंटरनेशनल मीडिया देखो, और ऊपर से पी चिदम्बरम जो आप देखें कि क्या उनका ओहदा था, और वो बात करते हैं कि देखिए क्योंकि ये मुस्लिम जो है डोमिनेटेड राज्य था, इस करके उनमें ने मनमानी कराई सरकार ने और फौज ने मिलकर, क्या बयानबाजी करी, आप नया युग का आगाज हुआ, स्वागत करिए कि लाल किला से लेकर लाल कोट तक, अब जो है और भी लोग कमेंट लेने दीजिए, मनोज मिश्रा जी आप बोलिए। कांग्रेस किस बात की है कि बार बार हम जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान बोल रहा है या कांग्रेस बोल रही है, हम इस मुद्दे पर नहीं जाते, हम दूसरी बात करते हैं। दरअसल कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, वो चाहे मणिशंकर अय्यर हो, दिग्विजय सिंह हो, अधीर रंजन चौधरी हो, मनीष तिवारी हो, धारा जो 370 को संवैधानिक और असंवैधानिक की बात अगर करनी चाहिए थी, राज्यसभा में बिल पेश हुआ, लोकसभा में पेश हुआ, आपको उस दौरान अपनी बातें करनी चाहिए। अभी भी आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया उसको सपोर्ट करते हैं, जनार्दन द्विवेदी सपोर्ट करते हैं, बात प्रियंका जी सोनभद्र में कुछ और बात करती हैं। आप अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर तो अंतर्द्वंद में थे ही, फिर आप वहीं पहुंच गए जहां से आपने शुरुआत की थी, लेकिन कभी कभी कुछ मामले इस तरीके से होते हैं जिस पर पॉलिटिकल माइलेज सत्ता पक्ष के साथ जाने पर भी मिलता है। दूसरी बात फैजल साहब, आज आप यह सबको बहुत बुरा लग रहा है, जरा पिछले 89 से लेकर के 2019 के 30 साल को याद करिए, तो वहां पहली बार कर्फ्यू नहीं लगा, वहां पहली बार संचार सुविधाएं बंद नहीं हुई, वहां 6-6 महीने स्कूल बंद थे। अभी 2 साल पहले घटना है, बच्चों को उनके एग्जाम पोस्टपोन किए गए, बाद में उनके एग्जाम दिलाए गए। अभी सरकार की जो सबसे बड़ी चुनौती आने वाले समय में होने वाली है, ये जो अलगाववादी नेता हैं वहां के क्षेत्रीय छत्रप के ये मुख्यमंत्री हुआ करते थे, अभी सरकार और अपनी फोर्स ज्यादातर जो आम जनमानस हैं
उनको इस बात को कन्वे करने में उनको सफल, और ज्यादा स्थिति चिंता की बात नहीं, तीन ही चार जिले हैं। बिल्कुल ठीक है, चलिए मनोज जी मैं आऊंगी आपके पास। दिनेश जैन साहब रिटायर कर्नल हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दिनेश जी, जिस तरीके की परिस्थितियां पॉलिटिकली देखी जा रही हैं, कश्मीर बहुत संवेदनशील मुद्दा हमेशा से रहा है। धारा 370 हटाने के बाद एक खुशी की लहर पूरे देश में देखी गई है, पक्ष हो विपक्ष हो, लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता कि पॉलिटिकल पार्टीज से उठकर, बीजेपी कांग्रेस और तमाम पार्टियों से उठकर कभी भी एक स्वर में अपने देश के लिए खड़े क्यों नहीं होते? जो भाषा पाकिस्तान बोलता है वही भाषा हमारे देश से सुनाई दे रही है। दिनेश जी, देखो सृष्टि, बड़े दुर्भाग्य की बात है जी कि जब इस देश का सर्वोच्च न्यायालय इस बात को समझ रहा है कि ये कितना संवेदनशील मुद्दा है, दोनों पार्टियां इस बात को समझने के लिए इनकार कर रही जी। मैं मानता हूं कि सत्ता के अंदर, सत्ता में आना और सत्ता और पैसा, ये दलगत राजनीति का हिस्सा होता है, परंतु कभी भी देश हित को किनारे पे रख के नहीं किया जाना चाहिए। आज की स्थिति में जो प्रियंका जी ने किया है, कांग्रेस के जो नेता है, उनसे ऐसी चीज, मतलब बड़ा आश्चर्यजनक स्टेटमेंट है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के कम से कम आधा से दर्जन से ज्यादा लोग इस बात का स्वागत कर चुके। बिल्कुल, और आधा दर्जन लोग जो है वो पाकिस्तान की टीवी के लिए अभी एक एंकर का काम कर रहे हैं, जहां पे उनके चाहे दिग्विजय सिंह जी हो और चाहे चिदम्बरम जी हो, इन सब के बयानों को वहां पे एक प्रमुख न्यूज के रूप में हर टीवी चैनल पे दिखाया जा कोट करते हैं। इसके साथ साथ में मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जो सत्ता पक्ष है उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि, और ऐसी बातें भी नहीं करनी चाहिए संवेदनशील टाइम पे, कि कांग्रेस पार्टी या कोई भी पार्टी जो है वो आईएसआई उसको फंडिंग कर रहा है या वो देशद्रोही है। मामला सिर्फ इस बात का है कि क्या इस संवेदनशीलता को जो अभी जरूरत है इस देश को, जब आपकी आर्मी सेना जो है वह खड़ी हुई है, तो उस और पाकिस्तान की पूरी सेना वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे शिफ्ट कर रही है, मूव कर रही है, उनकी तोपें वहां पहुंच चुकी है, सकारदू के अंदर उनके JF-17 जहाज अभी शाम को 5 बजे 3 स्क्वाडन खड़े हो गए आके, तो उस दौरान में मैं समझता हूँ कि सत्ता पक्ष का भी एक दायित्व बनता है इस समय पे, कि इस तरह की भाषा और इस तरह की बातचीत अगर हम करेंगे तो ये सिर्फ टीवी का न्यूज बनने के अलावा पाकिस्तान में और देश का हित तो होने वाला है नहीं। हाँ, अगर उन्होंने ये बात बोली है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस एक बहुत पुरानी पार्टी है इस देश की, ठीक है इस टाइम पे स्ट्रॉन्ग नहीं है, भाजपा आज की तारीख में अपूर्व बहुमत के साथ में इस देश के अंदर डिसीजन ले रही है, और जो भी डिसीजन लिया गया वो इस देश की लोकसभा में लिया गया है, राज्यसभा में लिया गया है, पूर्ण तरह से संवैधानिक रूप से लिया गया है। अगर 360 के बदले 60 वोटों के अनुपात से एक प्रस्ताव पास हुआ और 370 हट गया और 35A हट गया, तो आने वाले समय में मेरा ये मानना है कि देश हित में ही है, आने वाले समय में देश हित के अंदर है। अब क्योंकि अगर आप, मैं बताऊं सृष्टि, एक मिनट डोल ले लूं मैं आपका, पाकिस्तान हर जगह भाग लिया पूरे विश्व के अंदर, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, इस्लामिक स्टेट से भी, इस्लामिक देशों से भी कोई स्टेट नहीं मिल रहा। यूनाइटेड नेशन में गया तो यूनाइटेड नेशन ने उल्टा लता दिया, बोला जम्मू कश्मीर को आप हिंदुस्तान अधिकृत या पाकिस्तान अधिकृत नहीं पहुंच सकते। बिल्कुल सही तौर पर। चलिए दिनेश जी मैं आऊंगी आपके पास, आप बने रहिए हमारे साथ। संजीव कौशिक जी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, आपकी क्या सोच है? प्रियंका गांधी ने एक बार फिर से एक युवा नेता के रूप में देखी गई, कांग्रेस पार्टी के लिए एक नई ऊर्जा, एक नई सोच, एक नई विचारधारा देखी गई, लेकिन आखिरकार जब जुबान खोली तो वही परिभाषा निकल कर आई जो कांग्रेस पार्टी की हमेशा से रही है। एक भी बयान ऐसा नहीं आया धारा 370 पर। निचले स्तर के जितने भी इनके जमीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं या नेता हैं, वो सभी इस बात को मानते हैं, इसका स्वागत करते हैं, लेकिन गांधी परिवार अभी भी उसी बात पर अड़ा हुआ है। सिस्टी, प्रियंका गांधी का क्या स्टेटमेंट आया है पहले ये बताइए आप। असंवैधानिक है फैसला। एक बात आप बताइए कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में 370 हटाने की बात हुई या 35 हटाने की हुई, क्या ये असंवैधानिक नहीं था? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, तो कांग्रेस पार्टी मेरी बात सुन, मेरी बात सुनिए, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? बड़े हैं क्या? नहीं नहीं, मेरी बात तो सुनिए, मैं बोल नहीं रहा हूँ, क्या कहता है? मेरी बात तो सुनिए, बताइए बताइए, मेरी बात तो सुनिए कि ऐसा क्यों कह रहा हूँ? नहीं नहीं, आप सुन तो लीजिए, आप सुन लीजिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, कम से कम बोलने तो दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई सवाल खड़ा करता है तो आप उसे पाकिस्तान भेजने लगते हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, पाकिस्तान बोल रहा है वही प्रियंका गांधी बोल रही है, वही आप बोल रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? बात तो सुन लीजिए कम से कम। विश्व में सबसे बड़े लोकतंत्र होने का हम दम भरते हैं,
हैं, भरते हैं ना, और विश्व के सबसे बड़े मिलिट्राइज जोन में यदि कोई फैसला लेते हैं तो प्रेसिडेंशियल रूल के तहत हम फैसला लेते हैं। जो वहाँ जिन लोगों पर नजरबंदी लगा दी गई, पाबंदी लगा दी गई, वो आसमान से टपके हुए लोग थे या लोकतंत्र के चुने हुए लोग थे? पहले आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, वो कहाँ से आए हुए लोग थे? क्या वो संसद में नहीं बैठने वाले लोग थे? वो उन लोगों से एक बार आदमी को बुला के पूछा जाता और आप हर जगह के रिप्रेजेंटेटिव संसद में थे। एक एक आदमी को बुला के पूछने की बात होती है? नहीं, आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं ना। क्या पंचायत रखनी चाहिए थी? पंचायत रखनी चाहिए थी, पंचायत है। इनको आप यही कह रहे हैं, हटा दीजिए, प्रक्रिया यही आदत है। आवाज दबाते हैं, नेशन इंटरेस्ट हल्ला कीजिए, वार लेवल की जब भी सिचुएशन आती है, रुक जाइए, मैं बोल रही हूँ। प्लीज सर, एक एक करके बात करिए। संजीव जी, जो पाकिस्तान के वजीर आजम बोलना चाहते हैं हमेशा कांग्रेस पार्टी के तमाम, एक मिनट सर प्लीज, जो कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज बोल रहे हैं वो पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर कोट करके दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेता हमें सपोर्ट करते हैं। क्या मतलब समझा जाए इसका? क्या मतलब समझा जाए? पाकिस्तान ये कहते हैं कांग्रेस हमारा सपोर्ट कर रही है, आप बताइए। सवाल खड़ा कर रहा हूँ, आप जवाब दिया, आप कह रहे हैं कि वहाँ शांति है, आप कह रहे हैं शांति है, मैं कह रहा हूँ सुनना चाहता हूँ। अब आप बैठे हो जवाब देने के लिए, जो खबरें छन के आ रही हैं, आप लाइन में लगे हो पाकिस्तान का सर्वोच्च अवार्ड निशान हैदर लेने के लिए लाइन में लगे हो, अब्दुल बासित वाले पत्रकारों जैसे सोना जिसने 60 साल राज किया उसको भी सत्ता से वापस भेज दिया गया ना, जिसने 60 साल राज किया, आप 6 साल में इतराने लगे। आप शांति है ना, आप कह रहे हैं शांति है, शांति है, इसके पहले कौन सी शांति थी? आप मुझे बताइए, आपने शांति वहाँ पे पैदा कर दी थी? सुन लीजिए, पिछले 70 साल में शांति थी? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जब सब कुछ सामान्य है, शांति है, सब कुछ कंट्रोल में है, सारे विपक्ष चिल्ला रहे हैं, एक बार ले जाइए विपक्ष को, झुंड को आप क्या हमारे देश में आके राष्ट्र विरोधी बात कर रहे हैं? आप लोग ऐसे
सभी मेहमानों का बने रहे हमारे साथ में, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बिल्कुल, तो पाकिस्तान के साथ प्रियंका, ये कोट इसलिए दिया गया है कि आखिरकार क्यों पाकिस्तानी भाषा, जो पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान के टीवी चैनल्स अभी तक बोलते आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के ही कोटेशंस को वो कोट कर रहे हैं। आप सोचिए कि कैसी परिस्थिति है जहां ग्लोबली पाकिस्तान को पूरी तरीके से लताड़ दिया गया है इस मामले पर कि इंडिया का इंटेग्रल मैटर है, हम इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकते, वहीं हमारे लोग ही हमारे साथ में खड़े नहीं है, ये पूरी परिस्थिति है। तमाम खास मेहमान हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। मिश्रा साहब, शुरू आपसे करेंगे, प्लीज एक एक करके आप लोग बोलिएगा। देखिए, मैं आपको बताऊं कितना हिस्टोरिक डे है। देखिए, एक तो जब नेशन इंटरेस्ट होता है ना, बोलने वाले तो ये भी बोलेंगे साहब 1972 में पाकिस्तान को दो धड़े आपने कर दिए, हमसे पूछा नहीं, हमारे बेडरूम में आके हमसे पूछा नहीं, ये कोई लॉजिक नहीं है। जहां नेशन इंटरेस्ट होता है, आप देखिए हमारा, एक मिनट सर सुनिए प्लीज लिसन मी, हमारा दुश्मन इतना शातिर है, आए दिन वो कि जी हम तो एटमी ताकत है। आप इसको ऐसे सोचिए, पूरी दुनिया बोल रही थी कहीं ऐसा ना हो कि भारत और पाकिस्तान में एटमी युद्ध हो जाए, परमाणु युद्ध हो जाए, ठीक है पाकिस्तान साफ हो जाता, लेकिन इस भय को हमने शांतिपूर्वक तरीके से एक दिन दो दिन में सॉल्व कर दिया, एक गोली नहीं चली। तो पूरी दुनिया में भारत ने फिर से बताया कि शांति के पुजारी है तो हम हैं, हमें युद्ध से कोई मतलब नहीं है, ये अचीवमेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, आप इसको डिस्ग्रेस करेंगे, ठीक है सर, और अब्दुल बासित वाली लैंग्वेज बोलेंगे, निशाने हैदर आप लोगों को लेना है क्या, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च अवार्ड है। ठीक है संजीव जी, प्लीज मैं आऊंगी, भारत रत्न लौटाएंगे आप लोग और निशाने हैदर के लिए लाइन में लगे आप सर, और लोगों को भी मौका दीजिए। विपिन जी जल्दी से बोलिए। देखिए, ऐसा है कि एक नए सुबह का आगाज हुआ है, उसका दोनों हाथों से वेलकम होना चाहिए, खुले तरीके से होना चाहिए, उसमें राजनीति बीच में नहीं आनी चाहिए। राष्ट्रवाद पहले मुद्दा बनता था, पहले बोलते थे, आपत्ति होती थी लोगों को, पेट्रियोटिज्म ये बातें करते थे राष्ट्रवाद की, इन सब जो है इन्होंने देख लिया कि किस तरह से घाटी में शांति है, और जिस तरह से तस्वीरें दिखाई गई, कुछ ये वेस्टर्न इंटरेस्ट थे बाहर की फॉरेन मीडिया और वो, ये सब बेबुनियाद बातें हैं। और अपने घरों में झांक के देखे पहले कि कितनी अशांति वहां पर है, कितने टॉलरेंट और या कितने इनटॉलरेंट वो लोग हैं जो हमारे हिंदुस्तान की बातें करते हैं। कौन होता है डोनाल्ड ट्रंप बीच में बोलने वाला कि प्रधानमंत्री ने बोला कि ये जो है बीच में दखलंदाजी करिए, सबके मुंह पे करारा तमाचा है, सबके मुंह पे करारा तमाचा है। कारण ये कि जो जिस तरीके से कार्रवाई करी गई, देखिए जिस तरह से इन्होंने कराया, बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही काबिले तारीफ, क्योंकि मामला इतना संवेदनशील था कि किसी तरह से भी अगर भावनाओं को भड़काया जाता, जिस तरह से राउंड वन में कर दिया, और दूसरे राउंड में आप देखेंगे कि विश्वास जीतने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आपको उसमें भी आपत्ति है। आप बोल रहे हैं कि सुनिए, एक मिनट बस, एक बार बोलूंगा, गुलाम नबी आजाद साहब बोलते हैं कि देखिए पेड एजेंट्स है, कितने शर्म की बात है, जुड़े बहुत देर से हमारे साथ। जयप्रकाश जी माफी के साथ आ रही हूँ आपके पास, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। जी प्रश्न करिए जी। जयप्रकाश जी प्रश्न यही है, जिस तरीके से चर्चा जारी है, प्रियंका गांधी हो या कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज हो, वही भाषा अभी भी इस्तेमाल की जा रही है, बोलिए। इसमें हमें कोई आश्चर्य ही नहीं लगता, क्योंकि अगर कश्मीर का इतिहास कोई भी व्यक्ति जानता होगा या देश के बंटवारे का, कांग्रेस की जो पॉलिसी रही है शुरू से ही, 1909 में जब अंग्रेजों ने मुसलमानों को राजनीतिक पृथक समुदाय के रूप में एक एक्ट पारित किया, तो 1916 में कांग्रेस ने ही समझौता, लखनऊ समझौता करके ये स्वीकार कर लिया कि मुसलमान भारत में रह के लेकिन पृथक है। खिलाफत मूवमेंट जब चला था जी, तो खिलाफत मूवमेंट क्या भारत की राजनीतिक निष्ठा के लिए था, इस्लाम के लिए था, वो भी कांग्रेस ने ही स्वीकार किया। तो और कश्मीर का जो 370 है या 35 ए है, यहाँ सब विद्वान लोग हैं जानते हैं 35 ए कैसे नथी कराया गया, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी पटना में थे, कैसे नेहरू जी जाके वहां से अध्यादेश लाए, 370 बाबा साहब प्रस्ताव तक नहीं रखे, आयंगर साहब रखे थे। तो जाहिर सी बात है कि देश के भीतर देश बना दे पार्टिकुलर कश्मीर को, मुसलमान रियासत हैदराबाद जूनागढ़ नहीं थी क्या? तो ये तो हरि सिंह से जो निजी मनमुटाव हो गया था, नेहरू जी जो कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे क्विट कश्मीर मूवमेंट के, वही कसम खाए थे नेहरू जी कि हम इसको बफर स्टेट बना के शेख अब्दुल्ला को देंगे, और उनकी ये कसम भारत से भी बड़ी हो गई।
ये पूरा का पूरा नरक अगर सृजित हुआ है कांग्रेस, आप बताइए 26 अक्टूबर को विलय हुआ, 27 अक्टूबर को जब नेहरू जी कहे कि आज निर्णय होगा, मतलब हम अभी विलय कर ले। बिल्कुल ठीक है, जयप्रकाश जी बने रहे हमारे साथ, हमारे आपके पास मनोज मिश्रा जी अपनी बात रखिए जल्दी से। इसी नीति से आज उनका यह हस्त्र है और ये देश ले हो 71 में जब युद्ध इंदिरा जी जीते, विपक्ष में थे हम, हमारे अटल जी उनको दुर्गा जी तक कहे साथ खड़े रहे और अटल जी नरसिम्हा मिनिस्ट्री में यूएनओ डेलीगेशन का प्रतिनिधित्व मसला आया, हम उनके साथ रहे। चलिए ठीक है सर, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, फिलहाल आप बने रहे हमारे साथ, हम फिर से आएंगे आपके पास। फैजल खान साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप लोगों को लगता है कि फैसला लिया गया असंवैधानिक तरीके से लिया गया, थोप दिया गया जम्मू कश्मीर और लद्दाख के ऊपर, तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आपके कांग्रेस पार्टी के जितने दिग्गज हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, अदिति हैं और भी तमाम ऐसे नाम हैं, इन सबको आप बाहर क्यों नहीं कर देते अपनी पार्टी से? आपने कहा कि इनको हमारे इतिहास के बारे में नहीं पता है, वाकई में लगता है उनको आपके बारे में कुछ पता नहीं है, उनको तो ये लग रहा होगा कि विचारधारा मेल खा रही है, आप उन लोगों को निष्कासित क्यों नहीं कर देते जो आपकी पार्टी से मेल नहीं खाते, आपकी विचारधारा उनसे मिलती नहीं है, आप उन लोगों को क्यों नहीं हटा देते पहले अपनी पार्टी से? देखिए सृष्टि, आप पहले मेरी एक बात ये समझ लीजिए कि मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि जब मैं अपनी बात पूरी रखूं तो मेरी बात में बीच में इंटरप्ट ना किया जाए। हमारी शिकायत क्या है पहले आप वो समझ लीजिए। बताइए सर। अचानक से अमरनाथ यात्रियों को बुला लिया गया, सैलानियों को बुला लिया गया, और जब फारूक अब्दुल्ला साहब और तमाम लोगों ने पूछा कि आखिर इसकी वजह क्या है, तो जवाब ये आया कि आतंकी हमले की आशंका है, इस वजह से यहाँ पे फोर्स डिप्लॉय किया गया है। 7 लाख आर्मी के लोग वहां पे कश्मीर के अंदर उतार दिए गए। क्या देश हित का कोई भी फैसला छुपाकर किया जाता है? अच्छा, बिल्कुल किया जाता है सर, सेंसिटिव फैसले को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, सेंसिटिव फैसले को डिस्क्लोज नहीं किया जाता है, रणनीति का प्रोपेगंडा नहीं किया जाता है सर। उनकी बात को फैजल खान लाला साहब, क्या सारे आतंकवादियों को क्या बात कर रहे हैं सर, सारे आतंकवादियों को कह दिया जाता कि अलर्ट रहो, हमारे हैं, हम वहां पर आ रहे हैं, तुम सब अलर्ट हो जाओ, अपने अपने घरों से बंदूकें निकालकर निकल आओ, उसके बाद का उस सेना हमारे ऊपर वार करती है, क्या सारे पाकिस्तानी एजेंसीज या उनके जितने भी लोग कश्मीर में बसे हुए हैं ब्रेन वॉश करके लोगों का, उन सबको बोल दिया जाता पत्थर लेकर हाथ में खड़े रहना, हम आ रहे हैं तुमसे सीधे भिड़ेंगे? कैसी बातें करते हैं आप, कश्मीर की परिस्थितियां क्या आपको मालूम नहीं है कि किस तरीके की पत्थरबाजी छोटे छोटे मसले पर होती है? जब पीडीपी के साथ गवर्नमेंट चला रही थी तब तो उनको कोई परेशानी नहीं थी, आप उसी पीडीपी के मुखिया को बुलाकर, अरे सर देर आए दुरुस्त आए, होश तो आया कम से कम किसी पार्टी को, तो सर होश आया, टैक्टिस होती है, सेंसिटिव मुद्दों के लिए टैक्टिस होती है, आतंकवादियों के लिए खबरियां बन जाए पहले जाके, टैक्टिस कभी डिस्क्लोज नहीं की जाती है। अरे भारतीय जनता पार्टी को होश आपकी सरकार में है, आप क्या करते हैं? अब मैंने सवाल आपसे पूछा था, अपनी पार्टी के उन लोगों को बाहर करिए जो आपकी सोच से मेल नहीं खाते हैं, जो आपकी सोच से मेल नहीं खाते हैं, अपनी पार्टी के उन लोगों को आप बाहर करिए सर, आप उन लोगों को बाहर करिए, जो आपने जड़ें खोदी हैं उस पर पेड़ उगता हुआ आप देख नहीं सकते सर, आप देख ही नहीं सकते, आपको ये बर्दाश्त ही नहीं है कि कश्मीर में शांति कैसे है, तो फिर झगड़ा किस चीज का है सर? यू कांट एक्सेप्ट दिस सर, तरीका नहीं सही था, नहीं हो रही है, तरीका कोई भी हो रीजन माना चाहिए, आपने क्या हल निकाला इतने साल, 70 साल में तो आप एक भी तरीका, आपने क्या हल निकाला इतने साल, पिछले 70 साल में एक तरीका आपने निकाल पाए, कोई तरीका देश का काम एक मिनट, आप बातें करते हैं कि उनके अधिकारों को छीन लिया गया, कौन से अधिकारों की आप बातें करते हैं कि अस्थायी रूप से जिंदगी जिए, हर पल ये सोचे कि कभी भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है, कभी भी हमारे ऊपर हमला हो सकता है, पढ़ाई ना कर पाए, पढ़ाई ना कर पाए, ये अधिकार आपने दिए थे कश्मीरियों को, ये अधिकार आपने दिए थे, ये अधिकार आपने दिए थे फैसल खान का, बीच में देखिए कितने व्यवसाय बन गए, कितने उद्योग लग गए वहां पर, बताइए आप कितने पर्यटक वहां पर पहुंच गए, आप बात कर रहे हैं सुन लीजिए, फैजल साहब आपने बोला, मैं आदि की शर्त आपके सामने रख रहा हूं, आपने बोला धैर्य पूर्वक सुनेंगे, आप भी जो आपने दूसरों पे लागू करा सुन लीजिए प्लीज, आपने कहा सुनी मेरी बात, सर हमने तो सुनी आप, जब आप आपकी बात कोई टीवी पे नहीं सुनता, कितने पहुंच गए कश्मीर नहीं सुनती, संसद नहीं सुनता, सरकार प्लीज 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 दिनेश जी बोलिए।
देखिए सृष्टि जी, ये जो बात हो रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के जो दोनों नेता हैं उनको नजरबंद किया गया या अंडर अरेस्ट लिया गया, अगर मैं दो सभी भाइयों को ये बताना चाहूँ, ये जानते भी है इस बात को कि अब कश्मीर के अंदर पाकिस्तान द्वारा एक खेल खेला जा रहा था पिछले 30 साल से जी। और उसके अंदर क्या हो रहा था कि ये दोनों रीजनल पार्टी यानी राज्य स्तर की पार्टियां जो है ये एक प्राइवेट लिमिटेड का काम कर रही थी, ब्लैकमेल कर रही थी, और इनके पीछे एक बॉक्सर के रूप में पॉलिटिकल गुंडे बैठे हुए थे 10 से 15 लोग जो कि पाकिस्तान से फाइनेंस और टेररिस्ट उनके पास आते थे, वह है अलगाववादी। तो इस हालत के अंदर जब ये पूरा का पूरा माहौल चल रहा था तो चाहे वो गलती जवाहरलाल नेहरू जी से हुई हो 1948 में या भाजपा से पीडीपी को ज्वाइन करने में जो भी बात हुई हो, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बात तो सच है कि इस भूमि के लिए आपके देश के 50,000 सैनिक अपना जो है वो मार्टिर हो चुके हैं और शहादत दे चुके हैं, 42,000 देशवासी मर चुके हैं, और ऐसे के अंदर चाहे वो पीडीपी का नेता हो, चाहे वो एनसी का नेता हो, चाहे कांग्रेस का नेता हो, चाहे भाजपा का क्यों ना हो, अगर देश हित के खिलाफ बोले तुरंत जेल में डाल देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। एक मिनट सर, संजीव जी, अब ये दिनेश रैन साहब को आपने सुना, ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से तो है नहीं, रिटायर्ड कर्नल है, सरहद पर रह के आए हैं, परिस्थितियां बहुत अच्छे से समझते हैं, इनसे बेहतर तरीके से ना मैं समझा सकती हूँ ना यहाँ पर और जो दिग्गज बैठे हैं वो समझा सकते हैं, अब आप बताइए। उन्होंने सीधा एक लाइन में कहा कि इस लाइन के खिलाफ यदि कोई बोलता हो उसे जेल में डाल देना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो वो जिस लाइन को वो बोल रहे हैं, नहीं जिस लाइन को वो बोल रहे हैं, मैं समझता हूं कि यही वो लाइन खतरनाक लाइन बोल रहे हैं जिसके वजह से इनकी हालात ये है। अच्छा। मैं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह मतलब रहा आप जो देश मेरी बात तो सुन लीजिए, एक मिनट नहीं सर, आप बोल नहीं दे रही मैं आऊंगी आपके पास में। संजीव जी, जो देश के लिए सेवा करके आए हैं, जिनको गोली भी लग सकती थी, जिनकी जान भी जा सकती थी, उनके सवालों पर भी सवाल है। नहीं क्यों नहीं, मैं उनका कदर कर रहा हूं, नहीं मैं उनका कदर कर रहा हूं, लेकिन वो कोई होली का नहीं है, मैं उनका कदर कर रहा हूं, मैं उनका साहब मैं आऊंगी सर, आप दोनों के पास आऊंगी, मैं उनका सम्मान कर रहा हूं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो होली का हुआ है, जो उन्होंने बोल दिया वो बोल दिया। ये बताइए, अभी बहुत मुस्कुरा रहे थे आप किस बात में मुस्कुरा रहे थे, आप मुझे ये बताइए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मैंने कभी नहीं कहा कि 370 या 35 ए देश के हित में है या जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है, हटा दिया गया तो बहुत मुश्किल हो गई। जम्मू कश्मीर के लोगों को यदि उससे आजादी मिली है तो हमें दिखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के जमहूरियत, इंसानियत और कश्मीरियत के चेहरे पर मुस्कान दिखनी चाहिए। हम यहाँ मुस्कान अपने चेहरे पर देख रहे हैं, हम एक दूसरे को मिठाई बांटता हुआ देख रहे हैं, लेकिन हमें किसी कश्मीरी के चेहरे पर यदि मुस्कान दिखे, बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, मैं प्लीज आऊंगी, मौका दूंगी, प्लीज। यही कह रहे हैं कि ये खुशी उसके चेहरे पर संजीव जी, क्या जो हम नहीं देख पा रहे हैं, बीजेपी के पास जादू की छड़ी है कोई, लो हमने छू मंतर करके मंतर पढ़ के घुमा दी और सबके चेहरे पर खुशी आ गई। इतने सालों से जो नर्क बनाकर रखा है कश्मीर में, आपने कहा कि जादू की छड़ी नहीं है तो आपने तो जीडीपी लगेगा कि नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ की 370 लोगों की दवा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, आप हमें बताइए कि 370 ही आतंकवाद के जड़ में था तो आपको सर्जिकल स्ट्राइक करने की क्या जरूरत थी, आतंकवाद के पीछे अन्य कई कारण है, उस कारण को नहीं है मिश्रा जी, एक मिनट, वहाँ पर आतंकवाद है या नहीं ये बताइए, मैं मान रहा हूँ आतंकवाद है या नहीं, वो 370 के चलते ही है, स्ट्राइक करना गलत था, वो 370 मान रहे हैं, वो मान लीजिए आतंकवाद चलता रहे, वो आतंकवाद, वो आतंकवाद 370 के चलते है, आप देश विरोधी हैं, लोग मरते रहे लेकिन आतंकवाद आतंकवाद 370 के चलते हैं, बातें करते हैं, सवाल सुनना आप लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, सबसे बड़ी बात यह है कि सवाल खड़ा करने वाले को आप जैसे कोई चीज कर रहे हैं, आप हमें सर्टिफिकेट मत दीजिए, आप हमें सर्टिफिकेट मत दीजिए, आप हमें सर्टिफिकेट मत दीजिए कि मैं देश विरोधी या कौन हूँ, मैं सवाल कर रहा हूँ, जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए ना मेरे सवाल का, आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब ही नहीं है, भारतीयों को सपने में भी अच्छी नहीं लगती है, आपके पास जवाब ही नहीं है, सुन लीजिए, आपके पास जवाब ही नहीं है, बोल लिया जिस तरीके से आप राष्ट्रद्रोह की बात कोई जवाब ही नहीं है आपके पास, सपने में भी हमें अच्छी नहीं लगती है,
आप ये सोचिए गंगा जमुनी तहजीब कैसे हमें डेवलप करनी है वहां पे आगे, आप कीजिए तो सही, हम देखना चाह रहे हैं, वही देखना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं। 120 करोड़ की बेशर्मी की पराकाष्ठा तब हो जाती है जब आप जम्मू कश्मीर से लड़कियों के बारे में सोचते हैं कि बहुएं वहां से आएंगी। सत्ता वाले बोल रहे हैं नाम बताइए, आप भी जानती हैं क्यों डर रहे हैं, नाम बताइए, आप भी जानती हैं, खुद जानती हैं, बचाएं हुई होगी, जमहूरियत हर स्टेट में होगी। आज जमहूरियत की बातें याद आ रही है, इंसानियत की बात याद आ रही है, कश्मीरी एक आदमी ने बताइए हाथ में पत्थर पकड़ा दिए, उसको दुश्मन बना दिया, वापस लिया, एक मिनट वापस लीजिए, अब सुनिए, किसने वापस लिया, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि सत्ता के चलते आप दिखा चुके अपने विचारधारा, विपिन जी बोलिए, कौन सी पार्टी के बता दीजिए आप जनता, सत्ता के साथ जदयू है, मेरे पास जदयू है, इमरान खान वाली पार्टी आवाज गिरा रही हूँ, मैं सभी की आवाज गिरा रही हूँ, मैं सभी की आवाज गिरवा रही हूँ, विपिन जी सिर्फ बोलेंगे और कोई नहीं बोलेगा, नहीं बोलेंगे सर आप, विपिन जी बोलिए। देखिए ऐसा है, मैं इसमें दो बातें जोड़ूंगा जिसपे हमने चर्चा नहीं करी, क्योंकि ये चर्चा थी कि प्रियंका गांधी के जो बोल हैं वो कैसे किसको वो बढ़ावा दे रहे हैं। तो देखिए सिंपल सी बात है, आप बड़े सीधे तरीके से बात है कि आप जब अगर कश्मीर में शांति कायम हो रही है और एक प्रयास लगा दिया, अच्छा कदम ले लिया, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, और आज सृष्टि में आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जादू की छड़ी नहीं है सरकार के पास, फौज के पास, कि इमीडिएटली सारी चीजें ठीक हो जाएंगी, हर चीज का एक समय लगता है। आज तक जो ये बातें कर रहे हैं कि क्या हुआ, उनकी भी अभी संजीव भाई ने बात करी, बोला कि क्या हाल हुआ, देखिए हर्षद क्या हुआ कांग्रेस का, 60 साल के बाद उनको बेदखल कर दिया, तो देखिए सर उसी तरह से आप देखिए कि क्या हुआ, क्या करा, क्या एक वहां तरक्की क्या करी कश्मीर ने, उसी तरह से आप जब बात करते हैं अमरनाथ यात्रा की, देखिए ये दोहरे मापदंड ही सबसे ज्यादा खतरनाक है, देशहित की बात नहीं है ये, आप एक तरफ तो बात करते हैं कि देखिए आपत्ति हो गई आपको कि अमरनाथ यात्रा रुकवा दी इन्होंने, कमाल है अगर उसी तरह से आप दोहरे मापदंड क्यों करते हैं, जब सरकार बात कर रही है यहां पर कि आप राम जन्म जो भूमि है जैसे अयोध्या उसको विकास करेंगे, तब आपको दिक्कत होती है, उसी तरह से दिक्कत आपको तब होती है जब मदरसों को हाईटेक बनाने की बात करती है, आप ये क्यों नहीं समझते कि ये देश हित का फैसला है, और जिस तरह से अटकले किसी भी तरह की शांति सब शांति बनाने का प्रयास है उसमें आप भी योगदान दीजिए, आप आपका भी दायित्व बनता है, पत्रकार होने के पहले आप एक देश के नागरिक हैं और सब लोगों का बनता है, हम लोगों का ऐसे बात नहीं करनी। विपिन जी ठीक है सर, दिनेश जी बोलिए। मैं एक चीज पहले क्लियर करना चाहूंगा, किसी भाई ने सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में बोला, सर्जिकल स्ट्राइक 370 या 35 के कारण नहीं हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था क्योंकि दुश्मन ने हमारे सैनिकों को मारा उड़ीद के अंदर और हमारे देश की आन बान शान पे अटैक किया, और हमने उठा करके उसके ऊपर एक्शन लिया, हम आगे पहले भी घुस के मारा है उन्होंने, अब आगे भी घुस के मारेंगे, बिल्कुल। जहां तक सवाल है प्रियंका गांधी जी की स्टेटमेंट का, देखिए 48 हो या 65 71 हो या सैची ग्लेशियर या आप निकाले श्रीलंका, मैं समझता हूँ कि काफी जगह पे ये जब पार्टी सत्ता में थी तो इन्होंने देश के हित के अंदर काम किए हैं, आज इनको खड़ा होना चाहिए बीजेपी के साथ में, क्योंकि देश हित के टाइम पे अगर आप बीजेपी के साथ खड़ा होते हो तो आप देशभक्त कहलाते हो, उल्टा नहीं कहलाते हो, नंबर एक। दूसरा, क्यों ठेका दे रहे हो आप बीजेपी को कि यही देशभक्त है, आप भी बोलिए खड़े होकर के 370 और 35 से हटाया गया है, ठीक है, इमरजेंसी का दौर भूल जाते हैं लोग, ठीक है। संजीव जी को जवाब मिल गया होगा कि पहले भी मारा था, अब बाद में भी घर में घुस के मारेंगे, आप दिल पे पत्थर रख दीजिए सर, आप दिल पे पत्थर रख लीजिए, आप दिल पे पत्थर रख लीजिए,
जो बोल रहा हूँ वही सारी दुनिया सच नहीं है। रख लीजिए सर, पहले भी घर में घुस के मारा था, दोबारा से भी मारेंगे। सर ठीक है, मनोज मिश्रा जी बोलिए, आवाज मिल रही है सर, तो अपनी बात रखिए। ये कहना है कि घर में घुस के मारने वाली स्थितियां तो तब आएंगे, लेकिन संजीव कौशिक जी जिस तरीके से सवाल कर रहे हैं, मैं उनके सवाल पे दो तीन बातों का जवाब देना चाहता हूं। और वो जवाब इस तरीके से है कि संजीव कौशिक जी, हर बात पर विपक्ष को और पाकिस्तान को सबूत देना नहीं होता है, परिस्थितियां ऐसी होती है, सरकार डिसीजन लेती है। और अगर आप सवाल उठाते हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, नवंबर महीना 18 जुलाई 2018 एक मिलिट्रेंस मारा जाता था तो चार जिले के 50,000 लड़के वहां इकट्ठा होते थे, कर्फ्यू लगना, धारा 24 लगना, ये सब चीजें कश्मीर के लिए आतंकवादी घटनाओं से बड़ी आम बात रही है। रही बात धारा 370 को हटाना, बहुत सराहनीय कदम रहा। अभी जो सरकार देश के बाकी लोगों को समस्या आने वाली है, जो आतंकवाद और पाकिस्तान से प्रलोभित आतंकवाद है, ये कोशिश करेगा। देखिए कश्मीर में जो ब्लॉक स्तर, जिला स्तर या तहसील स्तर के लोग हैं, उनसे 2-4 किलोमीटर अंदर आप जाइएगा तो बड़े इनोसेंट लोग हैं, बेरोजगार हैं, आर्थिक समस्या उनके पास है। और गुलाम नबी आजाद से बेहतर कौन समझेगा, उन्होंने कहा पैसे दे करके। अरे भाई पैसे दे करके तो 30 साल से आप पत्थर वहां करते हैं, आपसे बेहतर कौन जानेगा, पैसे जाते हैं, इनको पैसों का खेल समझ आता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात, अरे आज हमको और आपको खड़ा होना सेना के साथ, खड़ा होना सरकार साथ। दूसरा, कश्मीर के तथा कथित अलगाववादी लोगों को छोड़ करके जो आम नागरिक है उनको विश्वास दिलाना है कि आप भारत के साथ थे, भारत के साथ है, भारत के साथ रहेंगे। धारा 370 हटने से कश्मीर, अच्छा विकास की जोर मैं भी बात करना चाहूंगा, नेता कांग्रेस ये पहले मेरे साथ कई बैठ चुके, ठीक है, यहाँ तो ये होना चाहिए कि हम पीओके की जो बात कर रही है अमित शाह, उसका समर्थन करना चाहिए कि हम वो भी वापस लेंगे। एक बात बोलना चाहता हूँ, ठीक है सर, दिनेश जी बोलिए, एक बात बोलना चाहता हूँ, बोलिए सर। सृष्टि देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 1989 से लेकर 1993 तक सबसे ज्यादा पीक में मिलिटेंसी रही है जम्मू और कश्मीर के अंदर। और उस टाइम पर शायद मैं प्रियंका जी से ये कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की सरकार थी और आर्मी के माध्यम से 6-6 महीने 4-4 महीने इससे भी खतरनाक कर्फ्यू से हमें गुजरना पड़ा। तो मैं उन सभी से यह अनुरोध करूंगा, ये समय देश के साथ खड़ा होने का है और हो सके तो इसको समझदारी से ले। बिल्कुल ठीक है दिनेश जी। जयप्रकाश जी हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हैं। जयप्रकाश जी, बार बार बीजेपी का जिक्र यहाँ पर हो रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी को तकलीफ सबसे ज्यादा इस बात से है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी की सरकार ने यह कर दिखाया? हालांकि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में होती है तो इस बारे में सोचना तो दूर, वो कभी भी इस बात का जिक्र भी नहीं करते। जयप्रकाश जी देखिए, निश्चित रूप से कर्नल साहब अच्छा कर रहे थे। कांग्रेस एक दौर में निश्चित राष्ट्रहित के लिए बहुत अच्छी पार्टी मानी जाती थी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े भी किए, लेकिन यूपीए के दौर में जो उनका थिंक टैंक है उस पर वामपंथी कब्जा कर लिए हैं, जो भी राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं उनको निकाल दिया गया है, परिणाम सामने। मैं एक एंगल की ओर आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं कि अमित शाह जी चतुराई से देश को 89 के संकट की पुनरावृत्ति से बचा लिए। ट्रंप साहब की वार्ता हो गई है और आज नहीं कल अफगानिस्तान से उनकी सेना लौटेगी, और लौटने के बाद 89 में जब रूस लौटा था यही तालिबानी आए थे कश्मीर, और हमारे हिंदू भाइयों को वहां से खदेड़ दिया गया, तब से सतत रूप से आतंकवाद है। लेकिन अमित शाह जी ने जिस कौशल से, डोभाल साहब ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे, ये 2 दिन में शांति से इतनी बड़ी अनहोनी को टाल दिया है। अब अगर वो आएंगे तो सीमा पे हमारी दुनिया की सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध अनुशासित राष्ट्रभक्त सेना खड़ी होगी। स्थानीय प्रशासन जो बाधा डालता था, ज्यादा नहीं है, दबाव में या लालच में उनको कराते थे, स्वर्ण अक्षरों में बंद हो गए हैं। जल्दी से स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम दर्ज करा जाएगा जो इस समय फौज का समर्थन करेंगे, क्योंकि देश हित की बात है। बिल्कुल, 370 को हटाया है कश्मीर के लिए। राष्ट्रद्रोह की बातें भारतीय जनता सपने में भी नहीं सोचती है, ऐसे पत्रकारों को मैं वार्न करना चाहता हूं। निशाने हैदर लेना है तो बोल दीजिए, जाइए वहां पे, आप जाइए बात करिए जिस देश में रहते हैं, जो आपके पूर्वजों का देश है, देशभक्ति की बातें करिए। बात जब नेशनल इंटरेस्ट की हो तो हर परिस्थिति में आपको देश के साथ खड़े रहना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। संजीव जी,
अब तो यहाँ जो सवाल खड़ा करे उसे देश हित में नहीं समझा जाता। नहीं, आप अपना कंक्लूजन दीजिए सर, आप सवाल बहुत खड़े कर चुके हैं। देश का सवाल खड़ा करेंगे, आप मोदी जी का विरोध करते करते भारत का विरोध करेंगे। कहा कि वहाँ के लोगों के लिए बुरा है या देश के लिए? नहीं, आपने तो कुछ कहा ही नहीं। मैं सवाल क्यों उठा रहा हूँ? प्रक्रिया जिस प्रक्रिया से हटाया गया उस प्रक्रिया पे प्रश्न खड़ा है। आपको बुलाकर एक प्रपंच करना चाहिए था, एक पंचायत चलानी चाहिए थी। बांग्लादेश को हमने जिस प्रक्रिया से करना चाहिए, गलती हो गई सर, गलती हो गई। अगली बार से ये बीजेपी वालों को सोचना चाहिए। जयप्रकाश जी को कहूंगी, सोचिएगा कि सबके कान में जाके एक चिट्ठी या एक लेटर आप जरूर दीजिएगा। फैजल खान साहब, कान में जाके बोलने की जरूरत नहीं होती है। एक एक आदमी से पूछने की जरूरत बहुत हो गया, बहुत हो गया फैजल खान। नहीं नहीं नहीं, गलत तरीके से आप इसको परिभाषित कर रहे हैं। कान में जाके पूछने की बात, अरे बोल दीजिएगा, तालिबान से भी जाके पूछिए। आप अपनी बात कर रहे हो, जैसे चाहे निकालिए आप। नहीं, आपकी मंशा हम समझ गए। आप अपनी बात को चाहे जैसे कहो, किसी प्रकार के कोई अगर अपनी बात को रखे तो वो गलत है। किसी प्रकार के कोई पत्रकार नहीं, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं। एक हिंदुस्तानी होने के नाते आपको साथ खड़े रहना चाहिए था। क्या सोच रहे हैदर लेना है ना, इस्लामाबाद आप क्या देंगे? आप हमें सर्टिफिकेट देंगे? जिस तरीके की भाषा बोल रहे हो ऐसे तो लगे हैदर लेने के लाइन में लगे हो। पांच लोगों का नाम गिना दिया सर, आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने कि आखिरकार अभी भी देश विरोधी स्वर इस मंच से भी निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे लोगों को सतर्क रहना चाहिए और शर्म भी आनी चाहिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होने के बजाय किसी भी कांग्रेस या बीजेपी या कोई भी दल हो या कोई भी पत्रकार हो, उससे पहले आप एक हिंदुस्तानी है। उस नाते से हिंदुस्तान के जो लिहाज से सही है, अगर उसमें फैसला आता है, आपको हमेशा सरकार के साथ खड़े रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट से बड़े आप नहीं हो गए। कोर्ट ने भी सीधे कह दिया है कि हमें सरकार पर भरोसा करना होगा, जो हर एक हिंदुस्तानी को करना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे देश के अंदर से ही हमारे अपने इस तरीके के नफरत भरे लफ्जों का इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ। नमस्कार।